छोटी छोटी लेकिन बड़े काम की है ये कुकिंग टिप्स जो किचन में आपके बहुत काम आएंगे। तो नंबर वन है कि अक्सर गर्मियों के मौसम में चीनी में चिटिया पड़ने की समस्या लगभग हर किचन में होती है, तो इस परेशानी से बचने के लिए आप चीनी के डिब्बे में 4-5 लौंग डाल दें जिससे चीनी में चिटिया नहीं पड़ेगी। नंबर टू, यदि देसी घी को लंबे समय तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसमें एक टुकड़ा सेंधा नमक मिला दें तो देसी घी लंबे समय तक ताज़ा रहेगा। नंबर थ्री, यदि आप फ्रिज में से आ रही बदबू को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें तो फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप एक छोटे से शीशे के जार में 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके बिना ढक्कन लगाए फ्रिज में रख दें तो फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा को गर्म पानी में डालकर उससे फ्रिज की सफाई भी कर सकते हैं, इससे फ्रिज चमक जाएगा और बदबू भी दूर हो जाएगी। नंबर फोर, दही बड़े बनाते समय अगर आप दाल फेंट रही हैं तो उसी समय उसमें एक उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसलकर मिला दें तो बड़े बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप इस ट्रिक्स को ज़रूर से आजमाइए और दही बड़े बहुत ही। नंबर फाइव, अक्सर दाल बनाते समय प्रेशर कुकर के ढक्कन से बार बार पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है, तो इसके लिए आप दाल को उबालने के लिए रखते समय उसमें एक स्टील की छोटी कटोरी डाल दें या उसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल या जो भी कुकिंग ऑयल आप खाती हैं वह डाल दें और ढक्कन बंद करके दाल बनाएं तो कुकर की सीटी से सिर्फ स्टीम ही निकलेगी और आसपास गंदा नहीं होगा। नंबर सिक्स, यदि आपकी रसोई में चींटी और कॉकरोच रहते हैं तो इसका साफ कारण होता है कि साफ़ सफाई की कमी, तो इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फल या सब्जी काटने के बाद स्लैब को गीले कपड़े से साफ कर दें तो चींटी और कॉकरोच नहीं आएंगे और बीच बीच में किचन की सफाई भी करते रहें। नंबर सेवन, काजू में कीड़े लगने से बचाने के लिए काजू को एयर टाइट डिब्बे में रखते समय उसमें 5-6 लौंग डालकर रखें तो काजू ख़राब नहीं होगा, या आप काजू को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी रख सकती हैं, उससे भी काजू ख़राब नहीं होते हैं। नंबर एट, यदि आप रात को राजमा भिगोना भूल गए हैं तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। सबसे पहले राजमा को अच्छे से धोकर साफ कर लें, उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में पानी डालकर और उसमें 1 चम्मच नमक डालकर फिर उसे 1 सीटी लगवाए, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसमें 1 कप आइस क्यूब डाल दें क्योंकि नमक और आइस क्यूब से राजमा जल्दी गल जाता है। इसके बाद दोबारा कुकर में सीटी लगवाए और गैस धीमा करके 7-8 मिनट तक पकाए, तो ऐसा करने से राजमा जल्दी से तैयार हो जाएगा और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नंबर नाइन, अगर आपके यहाँ भी चाय पीने के शौकीन लोग हैं और आपके पास दिन भर चाय बनाने के बाद ढेर सारी चाय पत्ती इकट्ठा हो जाती है तो आप इसका प्रयोग अपने गमले के पौधे के लिए खाद के रूप में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रयोग की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर पौधे के गमले में डाल दें, यह एक बेहतरीन खाद का काम करता है। नंबर 10, यदि पूरी तलते समय तेल में थोड़ा सा विनेगर डाल दिया जाए तो पूरी तेल अधिक नहीं सूखेगी और पूरियाँ नरम भी बनेगी। नंबर 11, आप जब भी दही वाली ग्रेवी की सब्जी बनाएं तो उसे मीडियम आंच पर पकाएं और जब उसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद ही उसमें नमक मिला, इससे दही फटेगा नहीं और सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 12, कभी कभी हमारे पास ढेर सारे नींबू के छिलके इकट्ठा हो जाते हैं तो आप नींबू के छिलके को एक जार में डालकर नमक डाल दें और इसे धूप दिखाते रहें तो कुछ ही दिनों में नींबू का स्वादिष्ट अचार तैयार हो जाएगा। नंबर 13, लाल मिर्च को ख़राब होने से बचाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा हींग डालकर रख सकते हैं, ऐसा करने से लाल मिर्च लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा और हरी मिर्च का डंठल तोड़कर अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो हरी मिर्च भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। नंबर 14, अगर दाल में नमक अधिक हो गया हो तो उसमें 1 टेबल स्पून ताज़ा क्रीम मिला दें तो नमक कम हो जाएगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, या आटे की लोई बनाकर दाल में डाल दें और 1-2 बार उबाल लें, बाद में आटे की लोई को निकाल दें, इससे भी नमक कम हो जाता है। नंबर 15, अगर किचन का सिंक जाम हो जाता है तो इसके लिए आप सिंक के छेद में नमक और सोडा डाल दें और कुछ देर के बाद कपड़ा धोने वाला सर्फ डालकर ऊपर से तेज धार के साथ गर्म पानी डालें तो सिंक साफ हो जाएगा और सिंक से बदबू भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 16, अगर रात में चना भिगोना भूल गई है तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकड़े डाल दें तो इससे चना भी आसानी से गल जाएगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगा। नंबर 17, अगर भिंडी काटते समय चाकू और हाथ दोनों लिसली से हो जाते हैं तो इसके लिए आप चाकू और हाथ दोनों में थोड़ा सा नींबू रगड़ ले तो चाकू और हाथ दोनों ही लिसली से नहीं होगे।
नंबर 18, यदि लहसुन को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी कलियों को छीलकर साफ सुथरे डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि लहसुन पानी में गीला ना हो और ना ही डिब्बे में कोई नमी हो। नंबर 19, यदि आप कुछ भी मीठा बनाने जा रही हैं तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर कर जाएगा और यह मीठे के बैलेंस भी करता है। नंबर 20, अगर रोटी बनाने वाला तवा जल गया है तो उसे धोने से पहले हल्का सा गर्म कर ले और उसके बाद बर्तन धोने वाला स्टील स्क्रबर में बर्तन धोने वाला साबुन लेकर तवे को साफ करें, तवा चमक जाएगा। आप थोड़ा सा नींबू या इमली मिलाकर भी तवा साफ कर सकती है। अगर आपको मेरी ये कुकिंग टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी ढेर सारे किचन टिप्स और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।